कि तुम ये खाओ वो ना खाओ। वो हमसे कहते हैं तुम ये खाओ वो ना खाओ, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है, हमारे मुंह में कहते हैं ना भीख मत खाओ वो खाओ वो खाओ। वो हमसे कहते हैं ये खाओ वो ना खाओ, अरे हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, जो आज साहबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, जो आज साहबे मसनद हैं कल नहीं होंगे। किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है। लीजिए बिला ताखीर हमारे मुकर्रम मुकर्रमीन सैयद इम्तियाज अली साहब को आपके सामने पेश कर रहा हूं, वो अपना इजहार कहला। दौरान मैं यहाँ पर आया हूँ, मुझे खुशी इस बात की है यहाँ पर स्टेज के ऊपर बैठे रो में जो बैठे हैं, मुझे बताया गया है कि अल्ताफ भाई के वालिद साहब हैं जिनकी उम्र 90 साल है लेकिन अब भी वो काम करते हैं। आप जैसे लोगों से बहुत प्रेरणा मिलती है, हमें हिम्मत मिलती है, हमें बड़ी खुशी होती है आप जैसे बुजुर्गों का साथ। ये मंजिल जमात जो चल रही है वो आप लोगों की दुआओं की वजह से चल रही है। अल्ताफ भाई को जब सुन रहा था तो एक सियासी तस्वीर के अंदर लव और लव के हाथ सुनकर भी अच्छा लगा, वरना तस्वीरें लोग जो करते हैं एक दूसरे के ऊपर अलग अलग तरह की, फिर एकदम अल्ताफ भाई के ऊपर जब नजर पड़ी मेरी और उन्होंने आज जो अपना मैनिफेस्टो डिक्लेयर किया है तो उसमें उनकी जो तस्वीर है से फर्क इतना है कि उनके सर पे उस वक्त टोपी नहीं है। तो मैंने अल्ताफ भाई से पूछा ये कब की है, तो ये 2004 की है जब वो नगर अध्यक्ष के लिए थे। शायद पुरानी यादें अल्ताफ भाई की। दोस्तों आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे महाराष्ट्र में हम लोग 44 सीटें लड़ा रहे हैं और जो लोग ये समझते थे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महज एक जाति एक धर्म और एक मजहब की जमात है, अगर कुछ लोग ये कहते थे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ मुसलमानों की जमात है तो मैं आपको बताता चलूं कि जो 44 सीटों पर हम चुनाव लड़ रहे उसमें 12 सीटें यानी कि 30% सीटें ऐसी है जो अलग अलग जाति धर्म और मजहब के लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें सांगोला शोभापुर से हमारा धनगर समाज का भाई है, तो वहीं श्रीनापुर से मातंग समाज का इरिगेशन डिपार्टमेंट का एक सीनियर ऑफिसर इरिगेशन डिपार्टमेंट में काम करने वाला एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है। वहीं पैठन औरंगाबाद से बंजारा समाज का हमारा भाई है प्रहलाद राठौड़। पुणे के वड़गांव शेरी से क्रिश्चियन समाज का हमारा एक भाई है। एससी समाज का सागर शिंदे अगर हत्कनंगले कोल्हापुर से है तो वहीं औरंगाबाद से अरुण बोडे है। वहीं पुणे के कैंटोनमेंट से हमारी एक एससी बहन है। उसी के साथ साथ रावेर जलगांव से भोटी समाज का महाराष्ट्र का अध्यक्ष है, वो भी मजलिस के टिकट के ऊपर चुनाव लड़ रहा है। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि जो रावेर जलगांव का जो हमारा कैंडिडेट है उसका नाम ठाकरे है। तो 25 तारीख के दिन जब अखबार में खबर आएगी तो खबर कैसी छपकर आएगी कि MIM के टिकट से
रावेर से ठाकरे भी जीत गया। तो आज जब हमको नेता जिस जमात को एक फिरका परस जमात नाम से कहा जाता था, जिस जमात के बारे में सिर्फ इतना बोलना बाकी रह गया था कि एक दहशती संगठन है, आज 5 सालों के अंदर एक ऐसा बदलाव आया है कि आप लोग खुद देख सकते हैं कि 5 सालों के अंदर हमने जो काम किए हैं महाराष्ट्र में, हमने जो आवाज उठाई है, चाहे वो महाराष्ट्र की विधानसभा हो या लोकसभा हो, वहां पे हमने जो गरीबों की, पिछड़ों की, किसानों की, हर जाति धर्म और मजहब रखने वाला जो परेशान था और जिसकी आवाज ऐवानों तक पहुंचती नहीं थी, उन आवाजों को हमने विधानसभा और लोकसभा तक पहुंचाया। तो लोगों को यह एहसास हुआ यही वो जमात है जो हमारे मुद्दे ऐवानों तक पहुंचा रही है। दोस्तों, हम पर अक्सर ये इल्जाम लगाया जाता था, जब से मजलिस महाराष्ट्र में आई तो हमारे ऊपर ये इल्जाम लगाया जाता था कि ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। जब भी हम चुनाव के अंदर खड़े रहते तो कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस हमारे ऊपर ये इल्जाम लगाती और ये कहती कि ये चुनाव जो लड़ रहे हैं ये सिर्फ वोट काटने के लिए खड़े हैं, इसका फायदा भाजपा को होने वाला है या शिवसेना को होने वाला है। 2014 में जब महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर से मैं विधानसभा का इलेक्शन लड़ने के लिए खड़ा हुआ तो लोगों ने मुझ पर भी इल्जाम लगाया और यही कहने लगे, खासतौर से कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता ये इल्जाम हमारे ऊपर लगाने लगे, क्योंकि मैं जब चुनावी मैदान में उतरा तो महज चुनाव के लिए 22 दिन थे और 22 दिन पहले ये फैसला लिया गया था कि मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिम इम्तियाज जलील को विधानसभा के चुनाव के लिए उतारेगी। तो लोग हमारे ऊपर ये इल्जाम लगाते थे और ये कहते थे कि 22 दिनों के अंदर कोई आमदार बन सकता है, कोई बंदा पुणे से आता है अपने पत्रकारिता का 24 साल का एक्सपीरियंस छोड़कर, 24 साल की अपनी पत्रकारिता की नौकरी छोड़कर औरंगाबाद आता है और 22 दिन पहले ये फैसला लेता है कि मैं औरंगाबाद से विधानसभा का इलेक्शन लड़ूंगा। स्वाभाविक है कि लोगों के मन में कुछ शक तो आएगा ही, क्योंकि 22 दिनों के अंदर कोई आमदार नहीं बनता है। कई कई साल मेहनत करते हैं लोग तो कॉर्पोरेटर नहीं बन पाते और एक शख्स पूना से औरंगाबाद जाता है 12 साल की अपनी नौकरी छोड़कर और अचानक 22 दिन पहले आकर ये कहता है कि मैं भी आमदार बनना चाहता हूं, तो लोग इल्जाम तो लगाएंगे ही। कुछ लोग ये कहते थे कि नहीं, ये कुछ सेटिंग करने के लिए आए हैं, ये भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए आए हैं, सेना को फायदा पहुंचाने के लिए आए हैं। हम अपनी आवाम के बीच में गए और आवाम से सिर्फ इतना कहा कि हम लोग बढ़ जाते हैं इसीलिए हमारी ताकत का अंदाजा हमें नहीं हो पाता है। हमने अपनी आवाम से सिर्फ इतना कहा कि एक बार मुत्तहिद हो जाओ, एक ताकत बनकर खड़े रहो, एक जहती का सबूत दो, एकता का सबूत दो और एक बनकर सिर्फ अपनी असदुद्दीन अवैसी साहब की खयादत में अपना वोट एक जगह के ऊपर डालो। हमने आवाम से कहा एक धक्का लगाओ तो सही, एक ऐसा धक्का लगाए कि 22 दिनों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इम्तियाज जलील 3 सिटिंग एमएलए को हरा कर 20,000 के लीड से औरंगाबाद से चुन कर आ जाए। उसके 6 महीने के बाद औरंगाबाद में महानगर पालिका के इलेक्शन होते हैं और उस महानगर पालिका के इलेक्शन में जब मजलिस मैदान में उतरती है तो राष्ट्रवादी कांग्रेस के सर्वेसर्वा औरंगाबाद में आते हैं और एक बड़ी सभा को संबोधित करते हुए वो ये कहते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर ये जो 2 मजलिस के आमदार चुनकर आए हैं, एमआईएम के 2 आमदार जो चुनकर आए हैं, एक औरंगाबाद से इम्तियाज जलील और मुंबई के बायकल्ला से वारिस पठान, ये एक एक्सीडेंट था और ये एक्सीडेंट अब दोबारा नहीं होने वाला। उन्होंने कहा कि इनकी औकात क्या है, इन्हें महानगर पालिका के इलेक्शन के दौरान समझ में आ जाएगी, ये गलती से आमदार बन गए हैं, अब जनता इनका साथ नहीं देने वाली। हमने तकरीबन 40 उम्मीदवार मैदान के अंदर उतारे और एक बार फिर आवाम के बीच में गए और सिर्फ इतना कहा एक धक्का और लगा दो।
एक धक्का ऐसा लगाया कि पहली बार औरंगाबाद से मजलिस चुनाव लड़ रही थी महानगर पालिका का। पिछले 30 सालों से मेरे शहर में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की सत्ता महानगर पालिका के अंदर है। बड़े बड़े सियासतदान, बड़े बड़े अखबार वाले, बड़े बड़े टेलीविजन वाले बस यही कहते कि इनकी सीटें, किसी ने कहा कि 3 आएगी, किसी ने कहा 4 आएगी, एक अखबार का दिल बहुत बड़ा था तो उसने कहा कि इनकी 6 सीटें आएंगी। हमने आवाम से कहा एक धक्का लगाओ तो सही, और ऐसा धक्का लगाए कि अल्हम्दुलिल्लाह 26 सीटें हम लोग औरंगाबाद से जीता रहे। और जो लोग हमको कहते थे कि ये मुसलमानों की जमात है, उनको हमने दिखाया कि 26 सीटों के अंदर 5 सीटें मेरे दलित भाई की थी और एक हमारी हिंदू बहन थी मजलिस के टिकट के ऊपर जीत कर आई। ये सब हमने जब किया, 4.5 साल विधानसभा के अंदर काम किया, तो फिर 2019 के अंदर लोकसभा का इलेक्शन आया, और लोकसभा का जब इलेक्शन आया तो फिर वही लोग मार्केट में आ गए, वही बातें करने लगे कि अब ये मुमकिन नहीं होगा। अब 22 दिन के अंदर मैं एमएलए बन गया था और 28 दिन पहले असद साहब का हुक्म आया कि हम औरंगाबाद से लोकसभा का इलेक्शन लड़ेंगे और उम्मीदवार होगा इम्तियाज जबी। तो अब हमने फिर क्या करना, फिर आवाम के बीच में गए और क्या कहा, क्या कहा, एक और धक्का। हमने आवाम के बीच में गए और कहा आवाम से, एक धक्का। 28 दिन पहले मेरे हिसाब से शायद ही इस मुल्क के अंदर कहीं ऐसा मौजजा हुआ होगा, लोकसभा का इलेक्शन मतलब 19 लाख वोटर्स, 6 तालुका, करीब 1300 गांव और 28 दिनों के अंदर अगर हम दिन और रात मेहनत करते तो ये मुमकिन नहीं था। लोग समझते थे कि ये कैसे मुमकिन होगा कि 28 दिनों के अंदर 6 तालुकों के अंदर घूमना, 19 लाख वोटर्स तक पहुंचना। लेकिन ये अगर मुमकिन हुआ तो क्यों हुआ, क्योंकि हमने आवाम से कहा, एक धक्का और। दोस्तों, 28 दिनों के अंदर मुझे फख्र है मेरे औरंगाबाद शहर की आवाम के ऊपर कि अगर मैं 28 दिनों में 18-18 और 20-20 घंटे काम करता था तो मेरे साथ आधा औरंगाबाद का नौजवान था जो मेरे साथ 18-18 20-20 घंटे जाकर मेरे साथ काम करता रहा था ये 28 दिनों के अंदर। और जब हम मैदान में उतरे इलेक्शन के तो कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के लोगों ने कहा, हमारे ऊपर फिर इल्जाम की बौछार लगा दी गई। कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने कहा ये जो खड़ा है इसने सेटिंग कर लिया, ये जो खड़ा है ये फिर खड़ा है 28 दिनों के अंदर कहता है कि मैं लोकसभा का इलेक्शन जीत जाऊंगा, तो ये जो खड़ा है इसने सेना वालों के साथ सेटिंग कर ली। उस वक्त मेरा रेट मार्केट में चलता था, कोई कहता था कि 3 लिया, कोई कहता था 6 लिया, कोई कहता था 10 लिया, लेकिन हमने अपनी आवाम से कहा इन इल्जामों की फिक्र मत करो, मेहनत करेंगे और 23 मई के दिन जब नतीजे आएंगे इन लोगों का जवाब हम देंगे। और किस अंदाज में देना है ये भी हमें मालूम था। 23 मई के दिन जब नतीजे आए तो तमाम कांग्रेस के, राष्ट्रवादी के बड़े बड़े नेता जो आकर हमारे ऊपर इल्जाम लगाते थे, 23 मई के दिन जब नतीजे आए तो इनके मुंह पर हमने थप्पड़ नहीं बल्कि एक जोरदार तमाचा रसीद करके एक जवाब हमने इनको बताया, हमने इनको बताया कि हम मैदान में उतरे थे तो सिर्फ वोटों की ताकत के ऊपर हम इलेक्शन जीते हैं ऐसा नहीं है। अगर कोई ये समझता है कि 28 दिनों के अंदर अगर एक खासदार औरंगाबाद से चुनकर आया है तो लोगों ने उसे सिर्फ वोट दिए हैं इसीलिए वो चुनकर आया है तो ये गलत है। इम्तियाज जलील अगर आज
महाराष्ट्र का एक लौटा एक मुसलमान खासदार चुनकर आया है तो वोट तो मिले ही, लेकिन न जाने ऐसे कितने लोगों की दुआएं मेरे साथ की, इस वजह से ये इलेक्शन मैं जीता। मैं दुआओं से जीतने वाला खासदार हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि 23 मई का वो मंजर जो मेरे अपने घर में था, 23 मई का वो मंजर जो मेरे अपने शहर के अंदर था, वही मंजर करार के न जाने कितने ऐसे घरों के अंदर वही मंजर देखने को मिल रहा था। मैं यकीन और दावे के साथ कहता हूं, मैं यकीन और दावे के साथ कहता हूं कि रमजान का वो महीना हम सब रोजे की हालत में, मेरी माएं और बहनें जो करार में रहती है, जो कभी मुझसे मिली नहीं है,